आप लोग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मॉर्निंग का क्लीनिंग हो चुका है, अभी जस्ट मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रही थी इसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। बट यूजुअली बेसिस पर मैं इतना सारा रेडी नहीं होती, उन्हीं जस्ट मॉइस्चराइजर सिंदूर तो हमेशा रहता ही है। एंड यस काजल, बस यही है चीज़। एंड ऐड ऑन इसमें सिर्फ मैंने लिपस्टिक ऐड की है, नथिंग मोर। थोड़ा सा लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे थे, बट एनीवेज अभी चलते हैं, भगवान की पूजा करते हैं एंड देन फॉलोड विद द अदर रूटीन। स्टे ट्यून। सिर्फ ब्रेड बटर एंड बस, बिकॉज मुझे आज शाम को एक रिलेटिव के घर पे जाना है, उनके यहाँ पर पूजा है, सो आई हैव टू विजिट देयर। हस्बैंड का तो आज लेट सेटिंग है तो वो आ नहीं सकते, सो आई हैव टू गो, अदरवाइज ही वुड हैव गॉन। तो उनके लिए मुझे खाना भी बना कर जाना है, बस ऑफ कोर्स की पूजा का जो है तो मैं वो खा कर ही आ जाऊँगी, तो उनके लिए बनाना पड़ेगा। सो फटाफट से वो, और अभी के लिए मेरे को लंच भी बनाना है। लास्ट में चढ़ा दूंगी, और आज मिक्स भाजी जो सब्जी जो है वो मैं बनाने वाली हूँ, शिमला मिर्च, सम कॉलीफ्लावर, पीस, अनियन ये जो है, और पनीर इसमें जाएगा। पनीर अभी मैं फ्रीज में रखी हूँ, वो निकालना है। लाइक पनीर जो है स्टोर ब्रॉट वाला, अगर आप ऐसे गरम करके रख दो तो ये बहुत सॉफ्ट निकलता है, तो बस इसे थोड़े देर के लिए गर्म पानी में छोड़ दो एंड यस बहुत साफ तरीके से निकलता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, लेमन सीड्स डालेंगे, अनियंस इसमें डालेंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो इन दिस, टोमेटो जब तक मशी नहीं हो जाता तब तक हम उसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और हम इसमें अभी मसाले ऐड करेंगे, मसाले में हल्दी, फिर गरम मसाला और अपना घर का मसाला जो है वो हम डाल देंगे, जैसा तीखा पसंद है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। इसे चलाते रहेंगे, और बाकी सारे जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं आप अभी इस वक्त ऐड कर दें इतना,
साथ में मैं ऐड करी हैंडफुल ऑफ पीस। आपके पास अगर फ्रोजन पीस है तो आप बाद में इसको ऐड करो, अगर आपके पास बाजार वाला जो पीस है वो अभी इसी वक्त पकने के लिए डाल दें। अब इसमें जाएगा थोड़ा पानी, सारे वेजिटेबल्स पक जाए और ये सब्जी सूखी बनेगी अब, और साथ ही साथ में ये क्यूब्स पनीर के, और इसमें सॉल्ट जाएगा एंड देन इट्स। स्वेटी स्वेटी हो गई थी तो फैन के नीचे वहाँ पर जाकर मैं बैठी थी, तो बहुत धूप था, सो आई कांट बेयर दैट। तो वहाँ से उठकर अभी मैं जस्ट नीचे इधर फैन के नीचे ही हूँ। ठंडियों का सीजन है पर ठंडियाँ नहीं लग रही है यहाँ पर, ओनली थिंग इज धूप 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 और धूप। तो बस खाना रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर है दाल तड़का जो रेडी है, और यहाँ पर है सब्जी। प्यारा लग रहा है ना कलर सब्जी का। तो बस अभी मैं चावल चढ़ा दूंगी, चावल जो मैंने यहाँ पर रख दिए है, इसको अभी फिर से गैस पर चला दूंगी। ये तो अभी बन जाएगा थोड़े टाइम में ही, बिकॉज ये काफ़ी टाइम तक ऐसे भिगा कर रखी हुई हूँ, तो वो हो जाएगा। लेट्स ऑन द गैस। अच्छा, कभी कभी मैं चावल में ना नमक ऐड कर देती हूँ और कभी कभी नहीं, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डे और द सब्जी जैसी रहती है उस अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो जितना भी मेस हुआ था किचन में वो सारा का सारा मैंने क्लीन कर दिया है तभी के तभी, बिकॉज कैसा हो जाता है ना कि अगर आप रेस्ट करने के लिए जाओ और फिर अगर फिर से काम करने का मूड हो जाए तो वो हाईली इम्पॉसिबल, मेरे साथ तो इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो ये सब है जो मैंने क्लीन करके रखे, बर्तन भी वहाँ पर मांझ कर रख, कपड़े जो दिए थे मैंने ड्रायर में लगा कर वो अभी मैं सुखाने के लिए डाल। इतने धूप में ये आराम से सूख कर आ जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये ड्रायर में डाल दिए थे मैंने, तो आराम से सूख जाएंगे, सो आई डोंट नीड टू वरी, बिकॉज जाने से पहले मैं इसको आराम से घो फोल्ड करके रख लूँगी। कल के दिन में मैंने चद्दर डाल दी थी, जीन्स थे वो सारे डाल दिए थे।